हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया, मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आज के एक प्यारे से ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में भाई हम आ गए हैं खेतों में, और खेतों में करने वाले काम, खेतों में आज क्या काम रहेगा अपना, तो मैं बता दूँ कि ये भाई अपनी देसी खाद है यहाँ पर, तो इसको फेंकना है खेतों में पूरे यहाँ पर। तो ये बन के भाई गोबर से, तो ये ऑलमोस्ट मतलब जैसे अभी इसको यहाँ पर गोबर को डाले हुए ऑलमोस्ट एक साल हो गया होगा, तो उसके बाद ये खाद बन जाती है जो हम मतलब अपने खेतों में यूज़ करते हैं देसी तरीके से। तो अभी इसे भाई खेतों में डालते हैं, मेरे साथ आया भाई और हम दोनों यहाँ पे भाई काम को करेंगे आज। और जैसे कि अभी मक्की लगाने का सीज़न आ गया, मीन्स की जो बरसात का मौसम है वो शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, एक तो बारिश हो गई है, तो उसके बाद अभी जब नेक्स्ट बारिश होगी तो फिर मक्की लगा दी जाएगी। अभी एक बार मतलब तो की बुआई हो गई है उसको, तो चलिए अभी करते हैं अपना काम स्टार्ट। और ये फेंकना भाई इसको पूरे खेतों में, तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आधे खेत में हमने खाद डाल दी है, और अभी आधी खाद भाई बची हुई है यहीं पे, और इसको भी डालना है। तो अपने भाई साहब इधर बैठे हुए हैं भाई, थकन हुआ हुआ है, तो भाई ये भी थक गए हैं, तो इसको करते हैं फिनिश और फिर मिलते हैं। तो इस तरफ भाई अपने घर के पास ही छोटा सा तालाब है, इसमें अभी मेहनत हो जाएगी जैसे बारिश, तो इसको खूंढ रहे हैं भाई। तो ये भाई कभी कभी गाने भी गाते हैं, वो आपको सुनाते हैं जब आज शुरू करते हैं। तो नहीं गाने गा रहे हैं वन बाई वन, तो यहाँ पे बैठे हुए मेंबर सामने किस तरफ है। दोस्तों अभी हमने ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा फिनिश कर दिया, और भाई को जाना था तो वो चला गया, और अभी हम भी काम फिनिश करते हैं। और मैं बता दूं कि देसी जो खाद है बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है अपने खेतों के लिए, और इससे काफ़ी सारी जो बीमारियां रहती हैं वो भी नहीं बंदे को आती हैं। मतलब जैसे बहुत सारी जो हम आर्टिफिशियल वो डालते हैं खाद, जैसे कि यूरिया वगैरह, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है, यूरिया वगैरह हो जाता है बॉडी में, तो ऐसी दिक्कत नहीं आती अगर आप हम देसी खाद यूज़ करें। और देसी खाद जो है बड़ी फ़ायदेमंद रहती है, और इसका जो प्रोसीजर रहता है बनाने का वो मतलब अपना घर का वेस्ट जो रहता है, जैसे ये गोबर है और गोबर के साथ और जो मतलब वेस्ट रहता है वो सारा हम अपने खेतों में इकट्ठा कर देते हैं, गाँव में मोस्टली ऐसा ही होता है। और उसके बाद ये एक साल के बाद ये मतलब गल सड़ के उसका मतलब अच्छे से खाद बन जाती है, और यही खाद हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं। और इसी यही रीज़न है कि जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी फिट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटी के लोगों से, क्योंकि जो सिटी के लोग हैं वो भाई मतलब फ्रेश जो वेजिटेबल्स रहती हैं या कोई भी चीज़ें रहती हैं उसमें यूरिया का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी मतलब बीमारियाँ होती हैं लोगों को, मतलब दिक्कत रहती है बॉडी में और अपने शरीर में और अपनी हेल्थ में। तो अभी अपना भाई काम आज के लिए तो बस इतना ही, और बाकी मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, और नए नए ब्लॉग देखने के लिए भाई बाइक का चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दिखाएं प्यार दिखाएं, और नए नए ब्लॉग ला के देंगे आपको अपने गांव के, और किस तरह से भाई अपने खेतों में काम होता है ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो बाकी चलिए चलते हैं आप घर, और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, शॉर्ट ब्लॉग है, तो भाई सपोर्ट करें, अच्छे से ब्लॉग और लाएंगे, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।